आलाप की शुरुआत 2016 में हुई थी एक सपने से कि क्या हम एक ऐसा हिमालय देख सकते हैं जहाँ जंगल और कम्युनिटीज एक एकता में रह पाए। एक छोटा सा सपना था दिल में और उस सपने को समझने के लिए बहुत लोगों से हम लोग मिले और करीब एक साल तक 2016 में हमने अलग अलग गांव में बातचीत रखी, उनके साथ रहे और उसमें हमने ये पाया जब हमने उसको गहराई से समझा कि इन समस्याओं की जड़ पहाड़ में जंगल हैं, क्योंकि पहाड़ की ज़िंदगी जंगलों से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि एक तरह से हर समस्या जब जंगल नहीं रहते हैं यहाँ के उधर से उभर के आती है। तो चाहे वो हमारा पानी हो, जो बहुत बड़ी समस्या है आज उत्तराखंड में, आज हमारी नदियाँ सूख गई हैं, भारत की 18 नदियाँ हैं और उसमें से 12 हिमालय से आते हैं और वो सूख रहे हैं आज क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, पानी रुक नहीं रहा है, चीड़ के जंगल हैं, पानी बह जा रहा है। तो जब पानी बहता है तो उसमें साथ साथ मिट्टी के तत्व भी बह जा रहे हैं, मिट्टी के तत्व बह जा रहे हैं तो जितनी मेहनत हम लोग पहले खेती में करते थे उतना उत्पादन नहीं होता है। जंगल जा रहे हैं तो जो जंगली जानवर हैं वो हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं खाना खाने के लिए। हमारा जो लकड़ी है या चारा है या पत्ती है वो हमें अब दूर दूर जाके लेना पड़ता है, तो जो एक महिला की ज़िंदगी पे और जोर पड़ रहा है। जो हमारा सेंट्रल थ्रेड है वो है मूल वन बनाना। एक्चुअली में हम लोग मूल वनों को बनाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे और उसके लिए हम अलग अलग तकनीकें हमने पढ़ी और एक साइंटिस्ट हैं जापान के डॉक्टर मियावाकी, उन्होंने विश्व भर में मूल वन बनाए हैं एक अपने मेथड से। तो हमने पहली बार भारत में उसको हिमालय के रीजन में ट्राई किया अगस्त के महीने में और अब हम उस पर एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं कि वो तकनीक से यहाँ पर कैसे मूल वन बन सकता है और वही चीज़ आप आगे अभी इस वीडियो में देखेंगे भी। उनके कुछ है यहाँ पे घर वर है, इसका मतलब कि ये नीचे तक इसमें एरेशन वगैरह हो रहा है इस मिट्टी में। सो बेसिकली वी विल मेक अ बॉल एंड देन वी विल ट्राई टू फॉर्म अ रिबन एंड देन वी विल सी वेदर रिबन ब्रेक्स। अब इसको देखते हैं, ये बड्डे बहुत मतलब सैंडी काफ़ी है ये, ठीक है। अब देखते हैं इसमें रिबन बनता है कि नहीं। रिबन नहीं रिबन बनना इसमें थोड़ा मुश्किल होता है, फट जाएगा। यूजली होता ये है कि मतलब बहुत मुश्किल से हल्का सा बन पा रहा है। आप कोशिश करें मतलब इन दोनों उसके बीच में ना ऐसे आगे फेंकने से। ये बमर हुआ, अच्छा, ये पास में मेल हुआ उधर को, हाँ, और ये तिथि मैया हुआ, हाँ, और ये खाकसा हुआ, फिर बगल पे ये पास ही में ये मेल हुआ। तो ये सब चीजें मेल, बमोर, खाकसा, हाँ, तिथि मैया, ये एक साथ ही उग जाते, झुंड में उग सकते हैं, झुंड में उगते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा अच्छा लगता है। फिर ये इधर को भटोली के साथ ही क्या है वो तितोली, ये नहीं, ये बमोर है, तिथि मैया, हाँ, का मादा ये है और नर ये नर है। नर, थैंक यू। कट्टा बन रहा है प्लांट पौधे लगाने के लिए चौकोर 10x10 मीटर, गहरा है, हाँ, 10 मीटर चौकोर। जैसे कि हमने खुदान किया, पहले वाली बेल्टी की मिट्टी तो बाहर चलेगी, ठीक, हाँ, तो पहले वाली बेल्टी की मिट्टी बाहर चली गई, तो जितने 5 फीट या 7 फीट का लंबाई में से हमने मिट्टी बाहर डाला, तो बाकी जो खोदते रहे तो उस जगह जो खाली हुई है ज़मीन की खुदाई करके उस पर पलटी मिट्टी, पलटते रहे, खोदते रहे, पलटते रहे, इधर को खाली एक साइड से करते गए काम करते गए, हाँ, तो एक साइड बच गया। फिर वहाँ तो फिर हमने क्या किया, फिर उसमें गोबर और घास मिला करके फिर उसको मिला करके पलटी करके उधर को उधर से भरान करके लिया है। ऐसे ही होगा, फिर और क्या होगा।
खुदाई करो, उसके बाद वो मिट्टी इकट्ठी करनी है, वहाँ से ऊपर लानी है मिट्टी, पहले समतल बनाना है उसको। ये पहले हम मैदान करेंगे, फावड़े से इसको मैदान करेंगे, उसके बाद खोदेंगे, फिर मिट्टी इधर भी इकट्ठा करेंगे, उधर भी करेंगे, फिर उधर से मिट्टी इधर लानी पड़ेगी। कितना गहरा खोद रहे हैं आप है? कितना गहरा खोद रहे हैं? डेढ़ फुट। ये जो तकनीक है, ये आज तक भारत में हमने इसको केवल फ्लैट लैंड पे किया है, ये पहाड़ में आज तक नहीं हुई है। पर जो पहाड़ का क्षेत्र होता है वो ट्रेंचेस में हमें इसको देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर ट्रेंचेस खोदे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने छोटे छोटे ट्रेंचेस को नापा है और 9 ट्रेंचेस में हमें 50 स्क्वायर मीटर का एरिया मिल रहा है। और इस तकनीक में हम लोग एक फार्मूला जो निकालते हैं लेयर वाइज प्लांटेशन का, और जिसमें हम अपने घास और गोबर खाद को मिलाते हैं, वो हम 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से चलते हैं। तो हमने 50 इसमें मेजर कर लिया है और अब हम 50 के हिसाब से सब कुछ अपना फार्मूला बनाएंगे, जिसमें पौधे डलेंगे, घास डलेगी और गोबर खाद डलेगी, और फिर हम उसको आज प्लांटेशन करेंगे। और बारिश हो ना हो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमने तो जंगल आज लगाना ही। भूपेन, या तो तुम्हें ये इसका नाप कैसे नापाया तुमने, ज़मीन को क्यों नापा? देखिए, हमने इसका एक अपना मेजरमेंट बना रखा है, जो मियावाकी मेथड है, उस हिसाब से सबसे पहले हमने जो बना रखा है उसकी थिकनेस और विड्थ, मतलब लेंथ और विड्थ हमने मेजरमेंट की, उसी रेशियो में हम उसमें प्लांटेशन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर नेटिव फॉरेस्ट की नींव रख रहे हैं, नेटिव फॉरेस्ट को बना रहे हैं। ठीक, तो हमने उसकी लेंथ ले ली, विड्थ ले ली, उसके बाद उसमें मटेरियल पाने वाला है वो आप देख सकते हैं, घास हो गई, गोबर हो गया, जो भी है मिट्टी, फिल्ट्रेशन करने के बाद जैसे हमें कमांड मिलेगी हम उस हिसाब से पुटअप करते जाएंगे। अरे वाह, पर इसका क्योंकि ये एक बराबर की नहीं है, सारी सारी जो खाल हैं जी, चाल खाल हैं जी, तो फिर क्या किया आप लोगों ने? सर, इसमें मेरा अपना अनुभव है, जब मैं 8th क्लास में था, मैंने फील्ड बुक करके एक चैप्टर पढ़ा था मैथ में, तो उसमें जैसे कोई भी चीज़ होती है या तो ट्रायंगल में होती है या चतुर्भुजी, उसका नाम ही आता है, चार भुजाएं होती हैं, तो उसी हिसाब से मेजरमेंट किया कि जितना टर्न है पहले इसको ट्रैक कर लो, फिर उस जो बाकी रेस्ट है उसको ट्रैक कर लो, फिर टोटल ऐड कर लो, उसके बाद जो विड्थ है उनको भी ले लो 3 या 4 ट्रैकों में, फिर उसका एवरेज निकाल लो, एवरेज निकालने के बाद हमें उसकी एग्जैक्ट लेंथ और विड्थ निकल आती है, और इस हिसाब से हम जो हमें मेथड बताया गया है जिस प्रोसेस से हमने चलना है उसको फॉलो करेंगे। इट्स नॉट टफ, इट्स वेरी इजी। तीन चार साल ये एकदम बढ़ रहे हो, लोगों के सामने दिखेगा जी, तो इसका जो असर है वो गांव में भी पड़ेगा, आसपास के गांव में भी पड़ेगा जी, और धीरे धीरे ये मेथड आगे को बढ़ सकती है जी। जीवामृत बनाने के लिए 20 किलो गोबर, 20 लीटर गौत, 2 किलो किसी भी दाल का आटा, बेसन, 2 किलो गुड़,
और एक किलो किसी पुराने बांझ के पेड़ की मिट्टी उसके जड़ के पास से आप लेके आ सकते हैं और इन सबको मिलाने के बाद उसको घड़ी की सुई की सीधी दिशा में घुमाइए। इस्तेमाल करते वक्त आप इस मिश्रण को 200 से 400 लीटर पानी में मिला के पौधों में डाल सकते हैं। जीवामृत मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा बढ़ाता है और ये जीवाणु आपके पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। वो उनके बीच में पदार्थों के आदान प्रदान में काफ़ी मदद करते हैं। छोड़ दो। हो क्या? ये सबसे पहले आपको बैग साइज चेक कर लो। हाँ। आराम से अंदर बैठ रहे कि नहीं, बस ज्यादा गहरा नहीं करना है, बस जड़ के थोड़ा सा ऊपर तक आना है, ठीक है? उसके बाद चेक कर लिया, उसके बाद इसको फाड़े कैसे, वो है ब्लेड, फट जाएगा ब्लेड से एक बार, इससे हो जाता है। धीरे से निकालना ताकि जड़ टूटे नहीं। अब ये रख दिया ना आपने, अब इसमें थोड़ा सा ये डालना, देखो जग 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 ने, और ऐसे सीधा पकड़ रखना है, स्ट्रेट, टेढ़ा मत होना। आप लोगों को सब आता ही है सबको पेड़ लगाना, मैं बस साइड साइड से थोड़ा सा मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ थोड़ा। हाँ, और ये तो एक चीज़ ना, प्लांट बिल्कुल ना स्ट्रेट स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा, सीधा रखना और फ्लैट छोड़ना, फ्लैट ऊपर से, बस दबाना भी नहीं है, दबाना भी नहीं। तो एक तरह से आलाप के काम को समझने के लिए शायद एक एक ही लफ्ज़ में हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग केवल एक माध्यम हैं और उस माध्यम को कोई भी एक तरह से उसकी मदद लेके हमारे जो पहाड़ की समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। और इस मुकाम पे मेरे मन में गांधी जी के शब्द आते हैं जो उन्होंने करीब 80 से 90 साल पहले बोले थे और वो आज भी रेलेवेंट है हमारे लिए। जब उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा पर्यावरण के बारे में तो उन्होंने बोला कि जो आज हम अपने जंगलों को कर रहे हैं, जो काट रहे हैं, उनको जला रहे हैं, वो कुछ नहीं है पर वो एक तरह से एक तरह की परछाई है जो हम एक दूसरे को कर रहे हैं। तो हम लोग तो यही मानते हैं आलाप में कि अगर हम अपने जंगलों के माध्यम से उनको वापस लाएं, पहाड़ में एक एकता आए, तो शायद हम अपने बच्चों के लिए एक प्यार भरा भविष्य छोड़ सकते हैं।